अमेठी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। अमेठी रेलवे स्टेशन के पास गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चलता था और वहीं अमेठी के सीईओ पीयूष कांत राय ने बताया कि 3 दिन पहले मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास जो गेस्ट हाउस बना हुआ है वहां पर देह व्यापार का धंधा काफी दिनों से चल रहा है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और अमेठी के रेलवे स्टेशन के पास बने सभी होटल्स पर छापेमार कार्रवाई करना शुरू कर दिया। होटल शिव मंगल से संदिग्ध अवस्था में पाया गया और सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुखबिर द्वारा 2-4 दिन पहले सूचना मिल रही थी कि कस्बे में कुछ होटलों में अनैतिक व्यापार कराया जा रहा है। आज इसी क्रम में होटलों में छापे मारे गए और रेलवे स्टेशन के पास शिव मंगल तिवारी गेस्ट हाउस में 3 कमरों से अलग अलग 3 कमरों से 3 कपल मिले हैं जो वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं बता सके और कमरे में भी कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं ऐसी मिली हैं जो अनैतिक व्यापार की ओर इशारा कर रही हैं। इसमें उन 3 कपल्स और जो ओनर हैं गेस्ट हाउस के जो स्वामी हैं और मैनेजर भी हैं उनको भी कस्टडी में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। 3 होटलों पर छापेमारी की गई जिसमें एक इस गेस्ट हाउस में ऐसा मिला है प्रमाण के साथ पाए गए हैं और उन पर कार्रवाई की जाए। होटल के मालिक और मैनेजर को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से संजय यादव की रिपोर्ट।